हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है साइंस की वर्कशीट। ये है वर्कशीट नंबर 31। ये 14 सितंबर की वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये लाइफ प्रोसेसेस पर है और एक तरह से ये रीकैप वर्कशीट है, एक तरह से आपका टेस्ट है ये। तो लाइफ प्रोसेसेस जो आपका चैप्टर है, अभी तक पिछले 2 हफ्तों में जो भी हमने साइंस की वर्कशीट्स की हैं आपकी 10th क्लास की, तो उन्हीं सब वर्कशीट्स को आप देखिए, उन वीडियोज को आप देखिए, और कोई भी अगर डाउट है तो उन वीडियोज को दोबारा देखिए और समझिए, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड ये वर्कशीट बनी हुई है। तो एक तरह से ये रीकैप वर्कशीट है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी। अगर आपको समझना है तो आप जो हमारी पिछली 2 हफ्ते की वर्कशीट्स हैं आप उनको देखिए, और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से ये आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या आंसर्स हैं, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए कि इस वर्कशीट को आप खुद अटेम्प्ट करें, आप खुद चेक करें कि आपको कितने इसके आंसर्स पता हैं, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे लेकिन वो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस, तो इसलिए आप उन्हें अच्छे से आप तैयार कर लें। तो पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर इस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कीजिए। तो पहला है आपका सेक्शन ए है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब वन वर्ड आंसर्स होंगे इसमें, या फिर वन सेंटेंस के इसमें आंसर्स होंगे, या फिर एमसीक्यूज होंगे कि आपको कोई एक आंसर सिलेक्ट करना है। तो पहला आपका है, ऑर्गेनेल यूज्ड एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, वो कौन सा ऑर्गेनेल यूज होता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर है सेकेंड आपका, स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में ट्रिप्सिन का क्या रोल है, ये मैं आपको आंसर एंड में बताऊंगी। फिर थर्ड है, हाउ इज एटीपी बिल्ट अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पर एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बिल्ड होता है, ये भी मैं आपको अभी आंसर थोड़ी देर में ही बताऊंगी सेकेंड आंसर के साथ। फिर फोर्थ है आपका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन यीस्ट बैक्टीरिया ह्यूमन मसल, डी ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी में होता है, इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, फंक्शनल यूनिट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो है नेफ्रॉन, हमने फ्राइडे की वर्कशीट में किया था ऑलरेडी। फिर सिक्स क्वेश्चन है, द ब्लड सेल्स विच आर हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, तो साइट ऑफ इंजरी पे कौन से ऐसे ब्लड सेल का कौन सा पार्ट है जो ब्लड को रोकता है, ये भी हम कर चुके हैं। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसको अगर आपको समझना है तो आप हमारी पिछले हफ्ते की साइंस की वीडियोस देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। फिर है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसमें सेंटेंस में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको वो फिल करने हैं। तो लिम्फ इज सिमिलर टू डैश ऑफ द ब्लड बट इज डैश एंड कंटेन्स लेस डैश, तो ये 3 ब्लैंक्स है। अब आप इन 3 ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा, तो लिम्फ जो है वो प्लाज्मा की जैसा है। फिर आप लिखेंगे बट इट इज, तो लिम्फ लेकिन कैसा है, अब प्लाज्मा जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली येलो होता है, लेकिन लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ होता है कलरलेस, तो यहां पर आप लिखेंगे कलरलेस, ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ। उसके बाद है एंड कंटेन्स लेस, तो क्या लेस होता है लिम्फ में, उसमें जो लेस होता है वो होता है प्रोटीन, तो कम प्रोटीन होता है लिम्फ में एज कंपेयर टू प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में ज्यादा होता है और लिम्फ में कम होता है। तो ये आपके ये 3 यहाँ पर ब्लैंक्स ऐसे आप फिल कर देंगे। फिर 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड, अगर एक प्लांट की जाइलम हटा दी जाए तो प्लांट में क्या होगा, ये भी मैं आपको अभी आंसर बता दूंगी, इतने आप सोचिए कि क्या होगा। 9th है आपका, द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इन टू द हार्ट इज, कौन सी वो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से हार्ट में लाती है, तो इसका आंसर है आपका पल्मोनरी वेन लाती है, क्योंकि वेन ही लाती है, तो ये आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। फिर 10th है आपका, एसर्शन स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, और रीजन है कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, तो ये 2 यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो ये सही है, तो इसलिए पार्ट ए आपका सही है। अब मैं आपको जो बचे हुए आंसर्स थे 2, 3, 8,
वो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से दिखा देती हूँ. आपने मुझे मैं उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक सोच लिया होगा कि इसके क्या आंसर्स हैं. तो ट्रिप्सिन हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टिन. एटीपी इज बिल्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, एडीपी प्लस पीआई प्लस फ्री एनर्जी लीड्स टू एटीपी. फिर एट थे आपका, इफ जाइलम इज रिमूव द प्लांट विल नॉट गेट रिक्वायर्ड वाटर एंड मिनरल्स एंड विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. चलते हैं अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है इसमें आपको वन वर्ड से या वन सेंटेंस से काम नहीं चलेगा, इसमें कम से कम आपको दो तीन सेंटेंसेस लिखने होंगे इसके आंसर में. मतलब कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली आपको दो तीन सेंटेंसेस लिखने ही पड़ेंगे. तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर चूइंग फॉर सम टाइम. तो जब आप कुछ समय के लिए पीस ऑफ ब्रेड जो है वो च्यू करते हैं, उसे चबाते हैं, तो वो क्यों मीठा लगने लगता है. सेकेंड है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वॉट इज इट्स फंक्शन. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है. थर्ड है, लिस्ट द थ्री इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन से थ्री इवेंट्स होते हैं, क्या तीन चीजें होती हैं, तो इसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. फोर्थ है, स्टेट द फंक्शन ऑफ विलाय. विलाय का क्या फंक्शन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्या फंक्शन होता है. फिफ्थ है आपका, स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे. तो डेजर्ट प्लांट्स जो है, रेगिस्तान के जो पेड़ हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के टाइम पर बंद होते हैं. एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए. तो ये जो पांच क्वेश्चंस हैं मैं इनके आपको आंसर्स यहाँ दिखा देती हूँ. तो यहाँ से आप आंसर्स चेक कर सकते हैं, अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं. पहले इनको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से इनके आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं. अब मैं चलती हूँ आपके सिक्स्थ क्वेश्चन पर. तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका कहता है, ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है आपको और वो आपको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक. तो स्टमक की वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके बारे में है. तो वो क्या सिक्रीट करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है और उनके क्या फंक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर टाइप करके साथ के साथ दिखा देती हूँ. पहले आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए और उसके बाद फिर इसे आंसर को क्रॉस चेक कीजिए. तो मैं यहाँ एबीसी जो है वो साथ में ही लिख देती हूँ कि ये कौन कौन से हैं. तो यहाँ एक ही जगह जो है, जो पहला जो सिक्रीशन होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सिक्रीट होता है आपका. तो ये हो गया आपका पार्ट ए. फिर उसके बाद अगला बी कौन सा है आपका, बी आपका जो रिलीज होता है वो होता है म्यूकस. तो वो आप लिख सकते हैं, ये एक और सिक्रीशन है. फिर सी क्या रिलीज होता है, वो होता है पेप्सिन. तो पेप्सिन भी रिलीज होता है स्टमक में, सिक्रीशन होता है इसका. अब इनके फंक्शंस क्या हैं, तो ये फंक्शंस आपको लिखने हैं कि फंक्शंस क्या हैं. ये मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि इसके फंक्शंस क्या हैं. तो इनके जो फंक्शंस है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि HCl का क्या फंक्शन है, वो एनवायरमेंट को एसिडिक बनाता है जिससे कि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और वो जर्म्स किल करता है फूड में, जो स्टमक के अंदर फूड होता है उसमें उसमें जर्म्स किल करता है. म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की HCl से, क्योंकि वो एसिडिक होता है HCl. फिर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. चलते हैं अब उसके बाद आपके सेवेंथ क्वेश्चन पर. तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग्स में डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है. ये जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पर वीडियो बनाई थी, वर्कशीट की थी, ये उसमें आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. फिर एट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है ये भी उसी वीडियो में समझाया गया है. नाइन्थ है आपका, हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. तो ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स में, वो सब्सटेंसेस को अपवर्ड जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैसे हेल्प करता है. फिर टेंथ, लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन किडनी. तो ह्यूमन किडनी में यूरिन कैसे फॉर्म होता है उसका आपको प्रोसेस समझाना है.
अगेन यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिखा दिए है उसी वीडियो में जो है, लास्ट मंडे की जो वीडियो है उसमें डबल सर्कुलेशन क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है उसे अच्छे से समझाया गया है, आप वहां से उसको समझ सकते हैं। फिर ट्रांसपिरेशन कैसे अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है वो भी आपकी वेंसडे की वर्कशीट में आपको समझाया गया है, आप वहां से समझ सकते हैं। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो फ्राइडे की जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया है। तो ये जो स्टेप्स हैं तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखना है। चलते हैं अब आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं आपके वो देख लेते हैं। पहला है आपका वन क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट्स हैं, वो है ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड लेबल ऑन इट। तो आपको ह्यूमन हार्ट का एक लेबल डायग्राम बनाना है और आपको क्या लेबल करना है, आपको पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम या उसको ऑरिकल भी बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरोटा और पल्मोनरी वेन, ये सब आपको लेबल करना है। और इसका पार्ट बी है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ब्लड सर्कुलेशन इन फिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि फिश का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंस है वो यही है कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, वहीं ह्यूमन बींग्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डबल सर्कुलेशन होता है। वो कैसे होता है वो आपको बताते हुए इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ये इनके सभी जो आंसर्स है वो मैं आपको एंड में एक साथ बताती हूँ ताकि आप ये पहले खुद अटेम्प्ट कर पाएं और फिर वहां से इसको क्रॉस चेक कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है आपका पार्ट ए है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन इट। तो आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसमें जो पार्ट्स हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये उसमें लेबल करने हैं। वहीं पार्ट बी है राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द लेबल्ड पार्ट्स। तो ये जो सभी पार्ट्स हैं जिनको आपने लेबल किया है, ये चारों पार्ट्स, इनका आपको फंक्शन लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, व्हाई, एक्सप्लेन। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब हम कितनी तेज सांस ले रहे हैं, वो जो रेट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले जानवरों का, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं उनसे डिफरेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखा देती हूँ तो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स। तो पहला जो पार्ट है वो हार्ट का लेबल डायग्राम है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया हुआ है, पिछले हफ्ते की वर्कशीट में, आप यहाँ से इसे देखकर बना सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आप जो वर्कशीट है आपकी, आप उसमें से देखकर भी इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। फिर पार्ट बी का आंसर भी यहीं पर है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि ह्यूमन बीइंग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, वहीं फिश में। तो ये पूरा जो है पार्ट बी का आंसर है, पहले ही बता चुके हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप है, तो इसलिए आंसर जो है वो डेफिनेटली लॉन्ग होगा। अब सेकेंड का जो पार्ट ए है, सेकेंड क्वेश्चन का, तो पार्ट ए है आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बनाना है ह्यूमन का, इसे आप लेबल कीजिए, अच्छे से लेबल कीजिए। अगर आपको ये डायग्राम पसंद नहीं है तो आप इसका जो वर्कशीट में आपका डायग्राम है आप उसको भी बना सकते हैं। तो अब उसमें जो आपको फंक्शंस बताने हैं, तो ये जो आपको लेबल करने को कहा गया था वो चार जो ऑर्गन्स हैं तो उनके आपको फंक्शन बताने हैं। तो किडनी का फंक्शन यही है कि यूरिन जो है वो किडनी में फॉर्म होता है, यूरेटर का फंक्शन है कि वो किडनी से जो है ब्लैडर तक यूरिन को पास करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करता है और यूरिथ्रा इसको पास आउट करता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है कि एक्वेटिक एनिमल्स क्यों अलग ब्रीथ करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से, वो इसलिए वो फास्टर रेट पे ब्रीथ करते हैं, पहली बात तो ये, और वो इसलिए क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन इन एयर, तो एयर में जितनी ऑक्सीजन होती है उससे कम होता है, तो इसलिए अपनी ऑक्सीजन नीड्स जो है उनकी वो मीट करने के लिए जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो जो है वो ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में इतना ही है, आपको इसी तरह से आपको अपना पूरा रिकैप करते हुए आपको चेक करना है कि आपको अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से ये जो कंटेंट है ये रिकैप हो जाए और वो इजिली इसे क्रॉस चेक कर पाए। थैंक यू।